हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ फगुन गौतम, वेलकम टू अभिजात क्लासेज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मीन क्या है? टीकाकरण। क्या है टीकाकरण? क्या है टीकाकरण? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि टीकाकरण क्या है। पहली बात तो ये कि वैक्सीनेशन एक प्रकार से प्रतिरक्षीकरण का ही प्रकार है या इम्यूनाइजेशन का ही प्रकार है। याद रखना कि प्रतिरक्षीकरण का ही क्या है, ये प्रकार है। किसका प्रकार? प्रतिरक्षीकरण का। ठीक है, क्लियर। दूसरा, कौन सी थ्योरी पे काम करता है, कौन से सिद्धांत पे काम करता है? तो जब हम लोगों ने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने कहा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम लोगों ने बी और टी लिम्फोसाइट्स के बारे में भी पढ़ा था। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी मेमोरी के ऊपर आधारित, स्मृति के गुण पर आधारित। प्राइमरी रिस्पॉन्स, फिर सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी जो रिस्पॉन्स बताया था वो धीमा होता है लेकिन लंबे समय तक चलता है, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है वो तीव्र होता है। वो तीव्र क्यों हुआ? उसका कारण था कि पहली बार जो मुठभेड़ हुई थी उसकी स्मृति मौजूद है। किसके पास? एंटीबॉडीज के पास में। तो याद आया मेमोरी के बारे में। तो यहां पर भी अपन यही कहेंगे कि वैक्सीनेशन जो है ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? मेमोरी के सिद्धांत पर आधारित है, या ये आधारित है किसके ऊपर? स्मृति के ऊपर। क्लियर। फिर उसके बाद में बात करेंगे वैक्सीनेशन से, एक छोटा सा निकालेंगे अपन वैक्सीन, जो वेका से बना है। वेका का अर्थ है काउ, वैक्सीन है ना। किससे निकला ये शब्द? वेका से निकला है, जिसका अर्थ है काउ या मिल्की मेड, जो दुग्ध का क्या करती हो? निर्माण करती हो। तो हम कहें वैक्सीन क्या है, तो वैक्सीनेशन से पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे कि वैक्सीन क्या है। तो हम कहेंगे कि यह एक ऐसा उत्पाद है। क्या है? एक ऐसा उत्पाद है जो हमारे शरीर में, एक ऐसा उत्पाद है जो हमारे शरीर में, हमारे शरीर में क्या उत्पन्न करता है? तो यह हमारे शरीर में उत्पन्न करता है, सॉरी, हमारे शरीर में क्या उत्पन्न करता है? प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? प्रतिरक्षा। दूसरा, वैक्सीन जो है वो भी विशिष्ट होते हैं। क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। अर्थात यदि एक रोग जनक है तो उस एक रोग जनक के लिए एक विशिष्ट टीका ही होगा। एक रोग जनक है तो उसके लिए एक विशिष्ट क्या होगा? टीका होगा। सपोज करो कि यदि किसी को क्या है, टाइफाइड का वैक्सीन दिया जाए। किसका वैक्सीन दिया जाए? टाइफाइड का वैक्सीन दिया जाए। तो ये जो वैक्सीन है ये केवल और केवल कौन से रोगजनकों पर प्रभावी होगा? टाइफाइड के। यदि हम सोचे कि व्यक्ति को क्या हो जाए, हेजा हो जाए, और हेजे में भी यही वैक्सीन काम में ले ले, तो नहीं। हम कहेंगे कि जो वैक्सीन होता है वो विशिष्ट होता है, अर्थात वो एक ही रोगजनक के लिए होता है। किसके लिए होता है? एक ही रोगजनक के लिए होता है। वापिस से देखना, टीकाकरण जो है वो मेमोरी के सिद्धांत पर काम करता है। वैक्सीन क्या है? ऐसा उत्पाद है जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा पैदा करता है। हमारे शरीर में क्या उत्पन्न करता है? प्रतिरक्षा। ये जो वैक्सीन होते हैं, ये जो टीका होता है, वैक्सीन या ये जो टीका है, ये टीका क्या है? विशिष्ट होते हैं, अर्थात एक रोगजनक के लिए एक विशिष्ट प्रकार का ही क्या होता है? टीका होता है। फिर उसके बाद में हम बात करें कि टीके की डेफिनेशन क्या है। किसकी डेफिनेशन? टीके की डेफिनेशन क्या है कि जो टीका है वो किससे तैयार होता है? तो हम कहेंगे कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा। किसके द्वारा? सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न आविष की वह मात्रा। किसकी मात्रा? आविष। एक तो आविष पॉइजन, ये डिटॉक्साइड है। आविष की वह मात्रा जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न आविष की वह मात्रा जो किसमें प्रविष्ट करवाई जाती है? शरीर में प्रविष्ट कराई जाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? टीका। क्या कहते हैं? टीका। और ये प्रविष्ट करवाने की जो प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं टीकाकरण। क्या कहते हैं? टीकाकरण। दोनों चीजें क्लियर हो गई डेफिनेशन में कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न आविष की वह मात्रा, आविष की वह मात्रा जो शरीर में प्रविष्ट करवाई जाती है। कहां प्रविष्ट करवाई जाती है? शरीर में, उसे हम टीका कहते हैं। और शरीर में प्रविष्ट करवाने की ये जो प्रोसेस है इसे ही हम क्या कहेंगे? टीकाकरण। तो प्रोसेस में क्या होगा? कोई भी वैक्सीन होगा उसको अपन पहले किसमें फिलअप करेंगे? इंजेक्शन में भरेंगे, और इंजेक्शन में भरने के बाद में जो भी व्यक्ति है या जो भी रोगी है उसके बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। तो बॉडी में इंजेक्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? टीकाकरण कहलाएगी। क्लियर यहां तक?
अब हम बात करें कि टीकाकरण जो है इसका जनक कौन है। तो देखो टीकाकरण का जो जनक है वो एडवर्ड जेनर है। कौन है? एडवर्ड जेनर। काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1796 में 1794 में एक 4 वर्षीय बच्चे पे जिसका नाम था जेम्स फिप्स। क्या नाम था? जेम्स फिप्स। इसमें सबसे पहले इस बच्चे के इन्होंने किसका टीका लगाया था? चेचक का टीका लगाया था। वापिस से सुन लेना, टीकाकरण का जो जनक होता है, जनक है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है? एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर ने 1796 में 4 वर्षीय बच्चे जेम्स फिप्स पर किसका टीका लगाया था? चेचक का टीका लगाया था। इसीलिए इन्हें एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? चलो ठीक है। अभी हमने बात की कि कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है, टीकाकरण क्या है और टीका किसे कहते हैं, ये चीजें हम लोगों ने क्लियर कर ली। अब देखो एक बार, हम लोगों ने बात की थी एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा की। ऊपर मैंने ही कहा है कि टीकाकरण एक प्रकार से किसका प्रकार है? प्रतिरक्षीकरण का। तो एक्टिव में अपन ने क्या कहा था? एक्टिव में हमने कहा था कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन यानी प्रतिरक्षी अणु का फॉर्मेशन जो है हमारे स्वयं के शरीर में होता है। किसके शरीर में होता है? स्वयं के शरीर में होता है। और पैसिव में हम लोगों ने ये कहा था कि जो एंटीबॉडी है वो कहां बनती है? अन्य कशेरुकी जीवों में, अन्य कशेरुकी जीवों में। और कल मैंने इसकी हिस्ट्री भी बताई थी कि डिस्कवर कैसे हुआ था पैसिव। तो मैंने बताया था कि भेड़ के अंदर तैयार किया गया था। किसमें तैयार किया गया था? भेड़ में। डिप्थेरिया के रोगजनक प्रविष्ट करवाकर एंटीबॉडी तैयार की थी। चलो ठीक है। एक्टिव और पैसिव वैक्सीनेशन, जैसे इम्यूनाइजेशन है ये, उसी प्रकार से एक्टिव के आगे हम लोग क्या जोड़ेंगे? ये वाला। पैसिव के आगे भी क्या जोड़ दिया? ये कि भाई सक्रिय टीकाकरण क्या है और निष्क्रिय टीकाकरण क्या है। जब किसी व्यक्ति को शरीर में इंजेक्शन के द्वारा क्या प्रविष्ट करवाया जाए? एंटीजन। और एंटीजन प्रविष्ट करवाने के बाद, किसके द्वारा प्रविष्ट करवाया हम लोगों ने? एंटीजन, इंजेक्शन के द्वारा। जब किसी व्यक्ति के शरीर में इंजेक्शन के द्वारा एंटीजन प्रविष्ट करवाए जाए और उसके शरीर में किसका फॉर्मेशन हो जाए? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाए, तो वो टीकाकरण कौन सा टीकाकरण कहलाता है? सक्रिय टीकाकरण कहलाता है। कौन सा टीकाकरण कहलाएगा? सक्रिय। तो पैसिव क्या है? पैसिव में हमने क्या कहा कि अन्य कशेरुकी जीवों के शरीर से हम लोगों ने क्या प्राप्त कर लिया? एंटीबॉडी प्राप्त कर लिया। और इस एंटीबॉडी को फिर कहां प्रविष्ट करवाया जाए? बॉडी में। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां एंटीबॉडी शरीर के अंदर बनती है क्योंकि शरीर के अंदर हम लोगों ने क्या प्रविष्ट करवाया है? एंटीजन। और यहां पर शरीर में डायरेक्ट क्या प्रविष्ट करवाया है? एंटीबॉडी। तो बोले यहां एंटीबॉडी शरीर में बनी, यहां बाहर से क्यों प्रविष्ट करवाई? ऐसा किया जाता है घातक रोगों के उपचार के लिए। कौन से रोगों के उपचार के लिए? घातक रोगों के उपचार के लिए, कि तुरंत प्रभाव से अपने को ट्रीटमेंट चाहिए। यदि अपने थोड़ा सा भी विलंब किया तो रोगी की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। क्लियर। अब मैंने ये भी बताया था कि अन्य कशेरुकी जीवों से जो एंटीबॉडी प्राप्त किया जाता है वो उसके किससे प्राप्त करते हैं? हम सीरम से। क्या होता है भाई सीरम? सीरम के बारे में ब्लड से रिलेटेड जो टॉपिक आएगा उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि सीरम क्या है। और सामान्यतः यदि अपन देखें ना सीरम क्या है, तो यदि अपनी ब्लड की यदि ड्रॉप बाहर निकल कर गिर जाती है या अपने को कहीं चोट लगती है तो चोट वाले स्थान पर हल्का हल्का पीला पीला सा एक सर्किल सा बन जाता है, लिक्विड सा निकला रहता है, एक पानी सा निकला रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। डीपली अपन बाद में बात करेंगे। तो टीकाकरण क्या था? तो हम लोगों ने कहा कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न आविष की वह मात्रा जो शरीर में प्रविष्ट करवाई जाती है उसे तो टीका कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। और प्रविष्ट करवाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैक्सीनेशन या टीकाकरण कहलाती है। क्लियर? ठीक है। फिर उसके बाद में कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है? स्मृति सिद्धांत पर। टीकाकरण करता क्या? टीकाकरण भी एंटीबॉडी का ही निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एंटीबॉडी का ही निर्माण करता है। फिर हम लोगों ने बता दिया कि एक्टिव वैक्सीनेशन और पैसिव वैक्सीनेशन क्या है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है। तो अब शायद क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि सक्रिय और निष्क्रिय में क्या अंतर है। क्लियर। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वैक्सीन की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ वैक्सीन की, कि जो टीके हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इस बार आरबीसी बोर्ड ने लगभग 4 या 5 प्रकार के दे रखे हैं, उनमें से मैं आप लोगों को डिटेल तो नहीं लेकिन शॉर्ट में बता देता हूं, समझने की कोशिश करना। नंबर एक के ऊपर आता है जीवित या जीवित तनुकृत। जीवित तनुकृत या क्षीण टीके।
जीवित तनुकृत या क्षीण टीके। क्या है ये, इसमें देखना। ऐसे टीके बनाने के लिए, कैसे टीके बनाने के लिए, इस प्रकार के टीके बनाने के लिए रोग जनक को, किसको, पैथोजन को या रोग जनक को या रोग जनक का उत्तक संवर्धन करवाया जाता है। कौन सा संवर्धन करवाया जाता है, उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। देख लेना एक बार क्या होता है टिश्यू कल्चर। ये ग्लासवेयर होता है, कांच का एक बर्तन होता है, इसमें हम लोग न्यूट्रिशन डाल के रखते हैं, पोषक माध्यम डाल कर रखते हैं। कोई भी पैथोजन है उसको यहाँ छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया। अब ये पैथोजन क्या करेगा, पोषण प्राप्त करेगा, अपनी संख्या क्या कर लेगा, दुगनी कर लेगा। फिर दो से कितनी हो जाएगी, चार। यानी इनमें किसका गुण पाया जा रहा है, रेप्लिकेशन का, बोल सकते हैं रेप्लिकेशन। यानी अपनी क्या तैयार कर रही है, प्रतिलिपि तैयार कर रहे हैं। तो ये प्रतिलिपि कहां तैयार कर रहे हैं, ये तैयार कर रहे हैं कौन से में, टिश्यू कल्चर मेथड में। कौन से मेथड में, टिश्यू कल्चर मेथड में। इसके बारे में अपन एक अलग से टॉपिक पर बात करेंगे, टिश्यू कल्चर क्या है, एक पूरा चैप्टर दे रखा है टिश्यू कल्चर के बारे में। अभी केवल इतना समझना है कि संवर्धन क्या है, संवर्धन का मतलब वृद्धि करवाना। यहां नाम दे दिया मैंने टिश्यू, क्या नाम दे दिया, टिश्यू। बाकी का टिश्यू तो क्या होता है, सेल्स का ग्रुप होता है। तो यहां जो जीवाणु है, विषाणु है, तो विषाणु की तो बात करते हैं तो अपन उनको लिविंग में एड ही नहीं करते, उनको अपन सजीव मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते सजीव, क्योंकि वो बाहर जब तक रहते हैं तब तक तो वो निर्जीव की भांति व्यवहार करते हैं, शरीर में जाने के बाद वो किसकी भांति व्यवहार करते हैं, सजीव की तरह। और यदि बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया खुद प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। तो वहां पर भी है ना टिश्यू का तो कोई ना वो ही नहीं है, इन्वॉल्यूशन ही नहीं है कि टिश्यू की अपन बात करें। लेकिन फिर भी एक मेथड बता रहा हूं कि ये जो वाला टीका तैयार करना है, इस टीके में हम पैथोजन का लगातार क्या करवाते हैं, उत्तक संवर्धन करवाते हैं कई पीढ़ियों तक। क्यों करवाते हैं, कि उनमें किसकी क्षमता खत्म हो जाए, रेप्लिकेशन की क्षमता क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, अब जब रेप्लिकेशन की क्षमता खत्म हो जाएगी और रेप्लिकेशन की क्षमता खत्म होने के बाद में जो वो पैथोजन है, उन पैथोजन को कहां प्रविष्ट करवा दिया जाएगा, शरीर में प्रविष्ट करवा दिया जाएगा, करवा दिया। बॉडी में प्रविष्ट होते ही बॉडी का कौन सा सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, कौन सा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, उन किसको पहचान लेगा, पैथोजन को क्या कर लेगा, पहचान लेगा। पहचानने के बाद में शरीर में किसका फॉर्मेशन कर देगा, एंटीबॉडी का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण कर देगा, एंटीबॉडी। वापिस से सुन लो, जीवित तनुकृत व क्षीण टीके क्या मतलब होता है, इस प्रकार के टीकों में पैथोजन का कई पीढ़ियों तक उत्तक संवर्धन करवाया जाता है, जिसके फलस्वरूप उनमें रेप्लिकेशन की क्षमता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। रेप्लिकेशन का मतलब ये, क्योंकि यदि डायरेक्ट प्रविष्ट करवा देंगे शरीर में तो क्या होगा, वो शरीर में खुद की प्रतिकृति करेंगे, प्रतिलिपि करके अपनी संख्या बढ़ा लेंगे, रोग को और ज्यादा फैला देंगे। जबकि हमारा तो एम क्या है, हमारा एम है कि उस रोग से उस व्यक्ति को या रोगी व्यक्ति को ठीक करना। तो ठीक कैसे करेंगे अपन, ठीक तो तब करेंगे ना जब रोगाणु को अंदर न पहुंचाए। तो अपन ये कह रहे हैं कि अपन पैथोजन को अंदर तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनका जो एक गुण था रेप्लिकेशन का गुण, उस गुण को ही हम लोगों ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जब इसका ये गुण खत्म हो जाएगा और फिर इसको शरीर में प्रविष्ट करवाया जाएगा तो शरीर फिर किसका निर्माण करेगा, एंटीबॉडी का। शरीर में कौन, शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, एंटीबॉडी का निर्माण करेगा और वो एंटीबॉडी पहले से मौजूद पैथोजन को नष्ट कर देगी। वापस एग्जांपल के रूप में देखना कि एक व्यक्ति है, या उसका शरीर है, उसके शरीर में पहले से ये पैथोजन है, क्या है, पैथोजन है, रोगाणु है, लेकिन व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इन पैथोजन के साथ में शरीर में क्या प्रविष्ट नहीं था, एंटीजन अंदर नहीं गया था, क्या अंदर नहीं गया था, एंटीजन। अब जब तक एंटीजन अंदर नहीं जाएगा तो बॉडी किसका फॉर्मेशन नहीं करेगी, एंटीबॉडी का। लगातार व्यक्ति की तबीयत खराब होती जाएगी। जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर पहले तो लक्षण पहचानेगा, डायग्नोसिस करेगा, निदान करेगा, पता लगाएगा कि शरीर में कौन सा पैथोजन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, प्रोटोजोआ है या कोई और परजीवी है, पता लगा लिया। पता लगाने के बाद डॉक्टर को लगता है कि भाई अब तो इसको वैक्सीन देना पड़ेगा, टीका लगाना पड़ेगा। तो टीके में क्या करेगा, टीके का पहला प्रकार बताया था कौन सा प्रकार, जीवित तनुकृत क्षीण टीके, यही बताया है। तो इसमें डॉक्टर यदि पैथोजन को डायरेक्ट प्रविष्ट करवा दे तो पैथोजन तो पहले से ही मौजूद है, मौजूद,
तो अब डॉक्टर क्या करेगा कि पैथोजन जो डॉक्टर वैक्सीन देगा, वो वैक्सीन कैसे तैयार हुई कि उस पैथोजन को टिश्यू कल्चर करवाएंगे, बहुत बार करवा दिया। टिश्यू कल्चर करवाने से उसमें प्रतिलिपि की क्षमता क्या हो जाएगी, बंद। अब इनको अपन जब शरीर में प्रविष्ट करवाएंगे, आविष इसीलिए तो बोल रहे, क्या बोल रहे टीकों को, आविष, कि ये विष की तरह कार्य न करे। अब जब शरीर में प्रविष्ट करवाएंगे तो शरीर में प्रविष्ट होने के बाद इनके साथ एंटीजन भी जाएंगे, क्या जाएंगे, अब एंटीजन, पहले वाले के साथ एंटीजन नहीं थे, लेकिन अब ये जो पैथोजन है इनके साथ वैक्सीन जब तैयार की जाएगी तो इनके साथ शरीर में क्या प्रविष्ट करवाएंगे, एंटीजन। एंटीजन प्रविष्ट हुआ और हमारा इम्यून सिस्टम किसका फॉर्मेशन कर देगा, एंटीबॉडी का, और एंटीबॉडी फिर क्या कार्य करेगी, अंदर वाले जो पैथोजन है उनको क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। अब सपोज करो कि ये जो टीका है, इस टीके में हम लोगों ने पैथोजन को डाला और उत्तक संवर्धन न करवाया होता तो ये तो खुद जाकर अंदर कॉपी करता। हम तो रोग को ठीक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो रोग को क्या कर देते, बढ़ा देते। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब ऐसे टीके कौन से हैं, तो देखो इनके एग्जाम्पल देख लेना, रूबेला नाम सुना है, खसरा और पोलियो। इनके जो टीके हैं, रूबेला, खसरा और पोलियो के जो टीके हैं, वो इसी प्रकार से तैयार किए गए थे। क्षीण टीके या कौन से टीके कहलाते हैं, जीवित तनुकृत टीके। तो एक एग्जांपल के रूप में ये याद रख लेना तीन चीजें, और फिर ये इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने आप लोगों को बताई दी। एक चीज और ध्यान रखना, इससे रिलेटेड एक फुल फॉर्म पूछी जाती है, ओपीवी। क्या पूछी जाती है, ओपीवी, तो हम इसको बोलेंगे ओरल पोलियो वायरस, याद रखना इसका, ओरल पोलियो और वायरस। अब अपन बात करते हैं दूसरे नंबर के टीके की, कौन से टीके की बात करेंगे अब, दूसरे नंबर के टीके की, कि दूसरे नंबर पे टीका कौन सा आता है। पहला था जीवित तनुकृत या क्षीण टीके, और जो दूसरा आएगा वो इनएक्टिवेट टीके होंगे। कौन से टीके होंगे, मरे हुए जीवों के द्वारा, मरे हुए जीवों के द्वारा, या निष्क्रिय टीके। कौन से टीके, निष्क्रिय टीके, ठीक है। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि मरे हुए जीवों के द्वारा या निष्क्रिय टीके क्या है, तो बोले या तो जो सूक्ष्म जीव हैं, जो रोगजनक है, उनको नष्ट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, नष्ट, या फिर उनमें जो रोग फैलाने वाला जो गुण था उसकी क्षमता को क्या कर दिया जाए, निष्क्रिय कर दिया जाए। तो अब जो दूसरे नंबर पे टीके हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं कि ऐसे टीकों में जो रोगजनक है उन रोगजनकों को निष्क्रिय किया जाता है, क्या किया जाता है, निष्क्रिय। निष्क्रिय करने का मेथड क्या है, या तो उनको टेम्परेचर देकर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद उनको क्या कर दिया जाता है, निष्क्रिय, या फिर उनको रासायनिक उपचारित किया जाता है, यानी रसायन से उसको क्या किया जाता है, उपचारित किया जाता है। कौन सा रसायन, फॉर्मेल्डिहाइड, कौन सा, फॉर्मेल्डिहाइड। याद रखना कि या तो रोगजनक को क्या कर दिया जाता है, ताप देकर गर्म करके निष्क्रिय कर दिया जाता है, या उसको रासायनिक उपचारित करके क्या कर दिया जाता है, एक नाम हो गया, रखना फॉर्मेल्डिहाइड के साथ फॉस्फोरिन, कौन सा है, फॉस्फोरिन। इन दोनों के द्वारा उनको उपचारित करके, इन दोनों रसायनों के द्वारा उपचारित करके, किसको उपचारित करके, पैथोजन को उपचारित करके, और उनको क्या कर दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे उनमें विभाजन की क्षमता नष्ट हो जाती है। किसकी क्षमता नष्ट हो जाती है, विभाजन की, कि यदि हम लोग उनको उपचारित नहीं करेंगे और डायरेक्ट शरीर में प्रविष्ट करवाएंगे। अब एक बात हमेशा याद रखना कि बोले सर क्यों प्रविष्ट करवा रहे हैं पैथोजन को, भाई ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया था, वापिस से देख लेना, कि इसलिए प्रविष्ट करवा रहे हैं कि बॉडी में जो पहले से रोगाणु मौजूद हैं वो अपने साथ क्या नहीं लेकर गए थे, एंटीजन नहीं लेकर गए थे, क्या नहीं लेकर गए थे, एंटीजन। और जब तक एंटीजन साथ में नहीं लेकर जाएगा तो शरीर किसका निर्माण नहीं करेगा, एंटीबॉडी। तो टीका है क्या, वैक्सीन है क्या, वैक्सीन बॉडी में प्रतिरक्षा पैदा करने के लिए तो दी हम लोगों ने, तो प्रतिरक्षा पहले क्यों पैदा नहीं हुई, इसलिए पैदा नहीं हुई क्योंकि पहले एंटीजन नहीं गए होंगे, तो टीकों के द्वारा हम एंटीजन को प्रविष्ट करवा रहे हैं। तो एंटीजन किसके साथ प्रविष्ट होंगे, इन पैथोजन के साथ। तो हम लोगों ने इस टीके में बात की कि जो रोगजनक है उनको सबसे पहले क्या कर दिया जाता है, निष्क्रिय। क्यों कर दिया जाता है निष्क्रिय, क्योंकि उनमें विभाजन करने की क्षमता जो है वो नष्ट हो जाए, क्या हो जाए,
नष्ट हो जाए, और विभाजन करने की क्षमता जब नष्ट हो जाएगी तो शरीर में जाएंगे तो वो और ज्यादा अपनी क्या नहीं करेंगे, वृद्धि नहीं करेंगे, और जब शरीर में और ज्यादा ग्रोथ नहीं करेंगे साथ में उनके कौन चला जाएगा, एंटीजन, एंटीजन चला जाएगा, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एंटीबॉडी का। बल ऐसे टीके कौन से हैं, तो टाइफाइड का टीका, कौन सा टीका, टाइफाइड का टीका, और कौन सा टीका, हेजा, और कौन सा है, हेपेटाइटिस आदि। टाइफाइड का टीका, हेजा का टीका, हेपेटाइटिस का टीका, कुकर खांसी का टीका या चेचक का जो टीका है, वो सारे के सारे एग्जांपल है किसके, मरे हुए जीवों के द्वारा या निष्क्रिय टीकों के, ठीक है। अब तीसरा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आविष टीके, कौन से टीके हैं, आविष टीके। अब अपन बात करेंगे तीसरे नंबर के टीके के बारे में जिसका नाम क्या है, आविष टीके। तो अब अपन ने दो टीके पढ़े, दोनों के कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गए कि बॉडी में जाने के बाद में वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, एंटीबॉडी का। तीसरा जो टीका है वो है आविष टीका, टॉक्सोइड वैक्सीन। कौन सा टीका है, आविष टीका, इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, याद रखना आविष टीका। क्वेश्चन आविष टीका भी ना पूछा जाए ना तो यहां पर दूसरा क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं ना। तीसरे नंबर पे है कौन सा टीका, आविष टीका। देखो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं या कुछ जो जीवाणु होते हैं वो खुद सीधे रोग नहीं फैलाते, क्या नहीं फैलाते, रोग नहीं फैलाते, जबकि इन जीवाणुओं के द्वारा एक विष निकलता है, क्या निकलता है, विष निकलता है, और वो विष क्या फैलाता है, रोग फैलाता है। एग्जाम्पल के रूप में टिटेनस, नाम सुना रोग का, किसके द्वारा होता है, एक जीवाणु के द्वारा होता है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रिडियम, याद रखना नाम टिटेनी, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। जब ये जीवाणु हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है तो ये एक न्यूरोटॉक्सिक श्रावण करता है या न्यूरोटॉक्सिन का श्रावण करता है। न्यूरोटॉक्सिन का मतलब, टॉक्सिन का मतलब तो जहर, विष, न्यूरो का मतलब जो तंत्रिका तंत्र पर क्या करे, हमला करे। तो हम कह रहे हैं कि जो टिटनस का जीवाणु है जिसका नाम क्या है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, ये क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी एक न्यूरोटॉक्सिन का श्रावण करता है जिसे हम टिटेनोस्पास्मिन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, टिटेनोस्पास्मिन, याद रखना एक नाम आएगा ना टिटेनोस्पास्मिन, ये जहर का नाम है। टिटेनोस्पास्मिन का क्या करते हैं, ये श्रावण करते हैं, और टिटेनोस्पास्मिन का श्रावण करने से हमारा न्यूरो नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पूरा का पूरा क्या हो जाता है, डैमेज, पूरे पेशियों में बॉडी में जकड़न सी हो जाती है और व्यक्ति की लास्ट में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि इसी जीवाणु के इस विष को हम किसके रूप में काम में लेंगे, टीके के रूप में काम में लेंगे, लेकिन इस विष को रासायनिक या भौतिक रूप से, रासायनिक या भौतिक रूप से उपचारित करेंगे, क्या करेंगे, उपचारित करेंगे और उसे आविष बना लेंगे, क्या बना लेंगे, आविष। आविष बनाने का मतलब उसके विष के प्रभाव को हम लोग क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। परंतु प्रतिरक्षा जनत्व के गुण को हम लोग सुरक्षित रखेंगे, किसके गुण को, प्रतिरक्षा जनत्व के गुण को। बोले ये प्रतिरक्षा जनत्व का गुण कौन सा है, इसका मतलब ये है कि विष से हम लोगों ने आविष तो बना लिया लेकिन किसको हम लोगों ने जीवित रखा, एंटीजन को हम लोगों ने क्या रखा, जीवित रखा। इस आविष की मात्रा को शरीर में जैसे ही प्रविष्ट करवाएंगे तो प्रविष्ट करवाने के बाद में हम लोग क्या कहेंगे कि ऐसा जो टीका है वो टीका कौन सा टीका कहलाएगा, आविष टीका कहलाएगा। एग्जांपल, तो एग्जांपल कौन सा रोग, टिटनेस रोग। कोई पूछ ले कि टिटनेस रोग के लिए कौन से टीके काम में लिए जाते हैं, तो याद रखना कौन से टीके काम में लिए जाते हैं, आविष टीके। आविष जो टीके हैं, इस आविष टीकों में क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी के द्वारा कौन सा न्यूरोटॉक्सिक स्रावित होता है, तो कौन सा न्यूरोटॉक्सिक स्रावित होता है, टिटेनोस्पास्मिन। नेक्स्ट जो है वो है संयुग्मी टीका, कौन सा टीका, संयुग्मी टीका, संयुग्मी यानी दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनने वाला टीका, किन से बनने वाला, दो से कॉम्बिनेशन से बनने वाला, तो चौथा नंबर पे आता है संयुग्मी टीका, संयुग्मी टीका। मतलब ये एक प्रकार से रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन की तरह ही होता है। ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या है, तो वैक्सीन का मतलब तो टीका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है जो हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं संयुग्मी टीका। अब इसमें देखो क्या है, ये बैक्टीरिया है, क्या है,
बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया के बाहर का ये इसका आवरण है, इसको हम बोलते हैं कोट। क्या बोलते हैं? कोट। सामान्यतः अपन कोई कोट वगैरह पहनते हैं ना, वैसे इसका बाहर का जो आवरण है वो क्या है? कोट। इस कोट का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, क्या ले लिया? छोटा सा टुकड़ा। और इस साइड में एक है प्रोटीन, क्या है? प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है ये कैरियर की भूमिका निभाती है। किसकी भूमिका निभाती है? कैरियर की। कैरियर का मतलब किसकी भूमिका निभाएगी? वो वाहक का। तो इस बैक्टीरिया यानी इस जीवाणु के कोट का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया और उस टुकड़े को जोड़ दिया हम लोगों ने किसके साथ? प्रोटीन के साथ। ये तो हुआ कोट का क्या छोटा सा टुकड़ा, और ये वाला क्या हुआ? प्रोटीन। जब इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन तैयार होगा, एक क्या तैयार होगा? संयुग्मन। और इस संयुग्मन को अब हम लोग प्रविष्ट करवा देंगे कहां पर? शरीर में। कहां प्रविष्ट करवाएंगे? शरीर में। शरीर में जैसे ही ये संयुग्मन जाएगा तो संयुग्मन के साथ में क्या था? ये बाहरी आवरण जिस पर एंटीजन था, बाहरी आवरण की वजह से बॉडी में किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा? एंटीबॉडी का क्या स्टार्ट हो जाएगा? फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा तो जिस भी रोग जनक की मात्रा ज्यादा है शरीर में वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। मतलब ऐसे टीके किसके द्वारा, किसके लिए बनाए जाते हैं ऐसे टीके? तो ऐसे टीके हैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन है? इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। क्लियर यहां तक? फिर उसके बाद में लास्ट जो टीका है उस टीके को हम लोग बोलते हैं अभियांत्रिकी टीके। कौन से टीके बोलते हैं? अभियांत्रिकी टीके, इंजीनियरिंग वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन? इंजीनियरिंग वैक्सीन, अभियांत्रिकी टीके। क्या है अभियांत्रिकी टीके? इसके बारे में अपन बात करते हैं कि टीकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने हेतु, किसका? वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने हेतु एक तकनीक काम में ली जाती है जिसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन तकनीक, पुनर्योगस तकनीक। पुनर्योगस तकनीक बोले क्या है ये पुनर्योगस तकनीक? इसमें भी वही है जो अभी अपन संयुग्मित टीके के बारे में बात करें, लेकिन इसमें किस क्या काम में लिया जाता है? तो इसमें अपन क्या कहेंगे कि जो भी एंटीजन है इस एंटीजन को जोड़ दिया जाता है यीस्ट के साथ। किसके साथ? यीस्ट। क्या है यीस्ट? कवक है। यीस्ट के साथ जोड़ दिया जाता है और इनसे जो तैयार होता है तो जोड़ोगे कैसे? काटना पीटने का काम, अगर काटने पीटने का काम किसमें होता है? इंजीनियरिंग में या अभियांत्रिकी में। तो इन दोनों को जोड़कर, एंटीजन प्लस यीस्ट को जोड़कर जो टीके तैयार किए जाते हैं वो टीके कौन से टीके कहलाते हैं? अभियांत्रिकी टीके। और किसका टीका तैयार किया गया है? यकृत शोथ का, हेपेटाइटिस का टीका। किसका टीका? हेपेटाइटिस। थोड़े दिन पहले अपन ये डिजीज पड़ी थी, हेपेटाइटिस का टीका किसके द्वारा तैयार किया गया था? अभियांत्रिकी टीकों के द्वारा क्या किया गया था? तैयार किया गया था। ठीक है, अब हाँ जो हम लोगों ने बात करी कि टीकाकरण क्या है, तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि टीकाकरण किसे कहते हैं, और फिर जो दूसरा क्वेश्चन आ जाए ना बोर्ड में तो वो आ सकता है कि टीकों में कोई भी प्रकार है, टीकों में प्रकार है तो इसमें से कौन से टीके पूछ सकते हैं। तो तनुकृत टीका पहले नंबर पे बताया था, तो तनुकृत टीके में हम लोगों ने क्या बात की थी कि जो भी पैथोजन है उस पैथोजन को टिश्यू कल्चर के द्वारा, किसके द्वारा? टिश्यू कल्चर के द्वारा बार बार में क्या करवाया जाए? संवर्धित करवाया जाए, जिससे उसमें प्रतिलिपि का गुण क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। बता दिया था रीजन, प्रतिलिपि का गुण क्यों समाप्त करना है। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने बात करी थी निष्क्रिय टीके की। निष्क्रिय टीके में भी अपन ये कहा था कि जो पैथोजन है या तो उसको ताप देकर गर्म कर दें या फिर हम लोग उसको किसी रसायन से उपचारित कर दें। तो फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह के बारे में अपन ने पढ़ा था कि उनके द्वारा उनका जो जो पैथोजन है उन पैथोजन को हम लोग क्या कर दें? निष्क्रिय कर दें। तीसरे नंबर पे अपन ने पढ़ा था टॉक्सोइड प्रकार का या आविष टीके। आविष टीकों में ये पढ़ा था कि कुछ जीवाणु डायरेक्ट रोग नहीं फैलाते लेकिन उनके द्वारा स्रावित विष क्या फैलाता है? रोग फैलाता है। तो एग्जाम्पल बताया था आप लोगों को टिटनेस, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, तो उसमें हम लोगों ने आविष तैयार किया था। आविष का मतलब विष को रासायनिक या भौतिक रूप से उपचारित करके उसको आविष के रूप में क्या कर ले? अपन तैयार कर ले। फिर हम लोगों ने पढ़े थे संयुग्मी टीके। तो संयुग्मी टीके में हम लोगों ने कहा था कि जो जीवाणु है या जो बैक्टीरिया है उसके कोट का, उसके आवरण का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे और टुकड़ा लेकर उसको कैरियर प्रोटीन के साथ जोड़ेंगे। कैरियर प्रोटीन जो वाहक की भूमिका निभाता है। दोनों जुड़ गए तो संयुग्मन तैयार हो गया। अब संयुग्मन को कहां प्रविष्ट करवा देंगे? बॉडी में। संयुग्मन में जो एंटीजन है उसको हमारा प्रतिरक्षा तंत्र पहचानेगा और एंटीबॉडी का क्या कर देगा? निर्माण कर देगा। और लास्ट जो टीका था वो था कौन सा? इंजीनियरिंग वैक्सीन या अभियांत्रिकी टीके, जो बड़े पैमाने पर तैयार करने के लिए काम में लिया जाता है,
ऐसा जो टीका है उसमें वैक्सीन को किसके साथ जोड़ दिया जाता है, वैक्सीन को जोड़ दिया जाता है यीस्ट के साथ, और यीस्ट के साथ जोड़कर और फिर हम लोग क्या तैयार करते हैं, टीका तैयार करते हैं। तो ये जो टॉपिक था वैक्सीनेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना और लाइक करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या भैया आप लोगों को? प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम आप लोग बताओ मेरे को, फिर मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन बताऊं। मुझे नहीं लगता कि वैसे कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी यदि कहीं भी थोड़ी सी भी आप लोगों को परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। थैंक यू सो मच।